हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वासुदेव पंडा। वेलकम टू मास्टर इंग्लिश। पिला मैंने वर्तमान जमती हम जानूचे प्लस टू रिजल्ट बाहर उपरे प्लस थ्री एडमिशन करवा उपरे तो बहुत पेरेंट्स के मन रे कन्फ्यूजन अच्छी, बहुत पिला के मन रे कन्फ्यूजन अच्छी। तो प्लस टू तो मुझे पास हो गली, वर्तमान प्लस थ्री को सब्जेक्ट पढ़ी स्पेशली ए वीडियोटा से आर्ट्स पिला मानक मुझे डेडिकेट करुच्छी। जे जो आर्ट्स पिला मैंने सपोज तुम हिस्ट्री पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एजुकेशन वाला बहुत से सब्जेक्ट अच्छे तो आम नहीं कि पास हो गले ऑनर्स कर रखा पास रखा जमी आम समस्त जाना प्लस थ्री आमको दुईटा पेपर गोटे ऑनर्स गोटे जी पेपर पढ़ा पड़ू डीएससी पेपर पढ़ाप पड़ू जो सीबीसीएस सिस्टम है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जोटा सीबीसीएस कहूँ सेमिस्टर सिस्टम। तो आज ये भिडटर आम देख आर्ट्स पिला मानी पांचटा आर यू नो मोर देन फाइव टफ अनर्स सब्जेक्ट भल भल अनर्स सब्जेक्ट जो गुड़ाक ब्रोडर मानने जब अपॉर्चुनिटीज रही पुणी माने स्कोप भी रही। तो आउ गोटे कथा मुझे कहना चाहिए जे सेमती किसी ना जे माने यही सब्जेक्ट ही पढ़ले तुम क्यारिययर हो पार इफ यू आर इंटरेस्टेड तुम जब भल इंटरेस्ट अच्छे स्पोर्ट्समैन हाँपी यू कैन परस्यू स्पोर्ट्स तुम जब भल आथलेट हाँपी चाहो भल मानने आथलेट हो पार तुम जब भल मानने इवेन इफ यू वांट टू बी ए फोटोग्राफर यस यू कैन इफ यू वांट टू बी ए पेंटर यू कैन। तो सेमती किसी नहीं पे कैरियर सेमती आम कहीपरिजे यही कैरियरटा ही भल आई कैरियरटा खराब कितु पढ़ा दृष्टिकोण जो पिला माने बीए माने आफ्टर आईए इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स बीए करिवा पई चाहौचो से मानक पई मो हिसाब रे अकॉर्डिंग टू मी आउ जॉब सेक्टर को देखिकिरी आगु करियर को देखिकिरी मु मो हिसाब रे पांचटा सब्जेक्ट मोर देन फाइव सब्जेक्ट नै छी। तो देखिबा ए वीडियोटा से पिला मानक पई सो तमे जदि नुवारे देखिछो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो वीडियो भल लगुछ जदि लाइक करबा मे भूलिबा नै या पाखरे ऑल नोटिफिकेशन बटन अछि ताको दबाई दबा फल जहाँ भी मैंने बटन आम वीडियो परवर्त वीडियो आसो आम पाई आउ समस्त गोटे सूचना अच्छी इंग्लीश लाइव क्लास टेन्थ इलेवेन्थ ट्वेल्थ पिला लाइव क्लास हो तुमने चैनलटा को सब्सक्राइब करके जॉइन कर पार्ब लाइव क्लास रे। ठीक अच्छे तालोले प्रथम जो सब्जेक्टा नहीं पे मु इंग्लीश इंग्लीशटा गोटे ए भाया सब्जेक्ट आज डेट्रे पूरा नेसेसरी हो जाए जो पिला इंग्लीश ऑनर्स नहीं कि पाठ पढ़ुंट से मानी अपॉर्चुनिटीज ही माने बहुत सारा अपॉर्चुनिटी अच्छी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी जमती तुम कहीपर यू कैन बी ए गुड टीचर यू कैन बी ए गुड ट्यूटर एंड यू कैन इवन इफ सेटल इन फॉरेन कंट्रीज इफ यू आर गुड एट इंग्लीश ये सुनो एंड तुम भल कम्युनिकेटर हो पार भल गोटे मोटिवेशनल स्पीकर हो पार भल यूट्यूबर हो पार। सो दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। आउ तुम जदि परस्यू करुछ पीएचडी परस्यू करुछ तुम लेक्चरर हो पार नेट साइड जो एग्जाम गुड़ाक हो तुम जब दौन तो इंग्लीश ऑनर्सटा फर्स्ट प्रेफरेन्स एज एन इंग्लीश एमफिल एंड पीजीसीटी पीजीजीटी माइसेल्फ तो मु प्रिफर करी फर्स्ट जिनस है इंग्लीश ऑनर्स। सेकेंडटा नवा पे आम पॉलिटिकल साइंस इंग्लीश और पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट रे नवार कारण हूँ सपोज आर्ट्स पिला मन का सब बड़ सेक्टर भल सेक्टर हूँ यूपीएससी यूनिवर्सिटी पब्लिक सर्विस कमिशन आईएएस ओएएस जोटा कौन। तो यही दुईटा सेक्टर पर इंग्लीश आउ पॉलिटिक्स मानने पॉलिटिकल साइंस जरूरी। तो मुझे सेकेंड सब्जेक्टा नहीं पॉलिटिकल साइंस पे पॉलिटिकल साइंस रे जदि तुम्हें पॉलिटिकल साइंस रे भी गोटे ब्रोडर सेक्टर रहा जमी पॉलिटिकल साइंस रे तुम सपोज बीए कल ऑनर्स नहीं कि तापर तुम लॉ करिपर यस एलएलबी कारण लॉ इज इक्वल टू पॉलिटिक्स यस नो कॉन्स्टिट्यूशन ये सब आम पढ़ी सारी। सो यू कैन बी ए गुड लॉयर यस नो भल रिपोर्टर हो पार जन टीवी एंकर हो पार गोटे ब्लॉग मेकर हो पार पॉलिटिकल ब्लॉग मेकर पॉलिटिकल एनालिस्ट हो पार आउ जो पॉलिटिशियन माने अछंती से मानंक पई तुम माने तांगर पॉलिटिकल स्पीच सब करी पारिबो। सो लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर सर्वोपरि यूपीएससी तो अच्छी ही अच्छी आईएएस ओएएस एग्जाम तो अच्छी ही अच्छी। तापर देखा पिले तीन नंबर रे मु नेछि आम पिला मन को पई संस्कृत यस संस्कृत जमती बाकी सब्जेक्ट रे बहुत लेंथी सिलेबस थाए संस्कृत रे बहुत कम सिलेबस थाए आउ डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी थाए।
ସ୍ପେଶାଲି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଏ ସଂସ୍କୃତରେ ବିଏ କରିସାରିଲା ଅନର୍ସ କଲା ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତମେ ଯଦି କରିଦେଉଛ ତାହେଲେ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କୋଇ ଟ୍ରେନିଂର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କୌଣସି ଟ୍ରେନିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ବିଏ ପରେ ବିଇଡି କରିବା, ବିଇଡି ପାଇଁ ମାନେ ଯିବା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ, ଏଭଳିଆ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସୋ 3 ନମ୍ବର ଆଉଛି ତମର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ପିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇ ଯିବିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତମର ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ୟେସ୍, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ବିଏ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଏମ୍ଏ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ନର୍ମାଲି ଭେକେନ୍ସି ଥାଏ ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ପ୍ରପର୍ ପୋଷ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ବି ବାହାରେ। ତ ଇକୋନୋମିକ୍ସକୁ ଆମେ ପ୍ରିଫର କରିପାରିବା, ଇକୋନୋମିକ୍ କଲାପରେ ଆମେ ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନରେ ଯାଇପାରିବା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ବି ଯାଇପାରିବା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅନର୍ସ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଏମ୍ଏ କରୁଛୁ, ଏମ୍ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, ପିଏଚ୍ଡି କରୁଛୁ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା 4ଟା। 5 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଦେଖିବା, 5 ନମ୍ବର ସବଜେକ୍ଟଟା ଆମେ ନେବା କ'ଣ, ହିଷ୍ଟ୍ରି। ୟେସ୍, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି। ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ବି ୟୁପିଏସ୍ସି ପାଇଁ ଜରୁରୀ ବୋଲେ, ୟୁପିଏସ୍ସି ପାଇଁ। ତ ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ଯେମିତି ହିଷ୍ଟ୍ରି ରିଲେଟେଡ୍ ଆମର ଆନସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ମାନେ ବୈଦିକ, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ମିଡ଼ିଆଭାଲ ପିରିୟଡ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମକୁ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ୟୁପିଏସ୍ସି ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତମେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିପାରିବ ତମେ ଯଦି ଅନର୍ସ ନେଇକି ଯାଉଛ? ୟେସ୍, ଯେଉଁ ଆମର ଆର୍କିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏକ୍ସକାଭେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି, ତ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତମେ ଯାଇପାରିବ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ଯଦି ନେଇକି ତମେ ଏମ୍ଏ କରୁଛ, ତାପରେ ପିଏଚ୍ଡି କରୁଛ। ତାପରେ ପିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ ରହିଲା, ଯେମିତି ଜିଓଗ୍ରାଫି ରହିଲା, ଫିଲୋସଫି ରହିଲା, ସାଇକୋଲୋଜି ରହିଲା, ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆର୍ ଦେୟାର୍, ସୋସିଓଲୋଜି ରହିଲା, ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆର୍ ଦେୟାର୍। ତମର ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି, ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଡୁ, ମିନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତମର ଯଦି ସେହି ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେହି ସବଜେକ୍ଟରେ ବି ମାନେ ଏଥି ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନେଇ ରହିବେ। ତମ ପାଖରେ ଯଦି ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଦଟ୍ ମଚ୍ ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍, ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ପାସନ୍, ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ, ତମେ କିଛି ବି କରିପାରିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ ନେଲି, ଇଟ୍ସ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ ନେଇଛି। ଏ ସବଜେକ୍ଟ ଯେ ତମେ କରିବ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ତ ତମକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମେ ଚୁଜ୍ କରିପାର। ବହୁତ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆର୍ଟ୍ସ ବି, ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଚାକିରି ଅଛି, ଏମିତି କିଛି ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟରେ ହିଁ ଚାକିରି ଅଛି ବୋଲିକି, ତ ତମେ ନିଜେ ପଢ଼ି ପାରିବ। ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ୟେସ୍, ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ୱିଥ୍ ପଣ୍ଡା ସାର୍, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।